टाइम टू से गुड बाय टू दिस बहुत ही सुंदर लेक रहे है। और ठंडा काफ़ी बढ़ गया, अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई ही जाता है और जे हल्का फुल्का जो सिर दर्द हो गया वो स्टार्ट हो चुकी है मोर। और दिस इज़ अ लेक ब्यूटीफुल चांगू लेक। और अगर 25 दिसंबर का बात किया हुआ था तो ये लेक ट्विल के ऐसे में दिशे ये पूरा पूरी फ्रोजन हुई जाए, मतलब मुझसे भी कहा था पूरा पूरी जम जाए बर्फ से। काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा भी बैठ गया, सिर दर्द भी हुआ था। व्यू ओ हो भाई साहब, एब्सोल्युटली मतलब क्या व्यू है यार। चांगू लेक वन ऑफ माय फेवरेट लेक एखन हो गया कल के जे टाइप के दिक्कत देख लो नहीं यार। ऊपर से व्यू फुल ब्लू दिस है, द ब्लू स्काई एंड फुल ऑफ वाटर एंड मतलब पूरा पूरे ब्लू, तो लिटरली बहुत ही सुंदर दिशा है, बहुत सुंदर, मतलब वर्ड्स ना एक्सप्रेस करे गए। और लुक एट दैट व्यू, यहाँ से इतना सुंदर दिशा था नहीं, मतलब ये के ओरिजिनल अच्छा। I believe it's true. Every day the sun rises again for you. सर वो साइड करो, तो हाथ पूरा सुन हो जाए एकदम ड्राई एक लाख एक भी दस एक ना इंजन मजा आ रहा है। तो क्या बात बचल तो ये रहे हमारे फ्लैग ये राइड कर। और हवा पूरा तेज हवा थी इन्हें सुबह था, तो फाइनली इन नथुला और हमारे फ्लैग इसने लहराक चाहिए और टॉप पे इंडियन फ्लैग लहरा था। उस शायद गोप्रो में नहीं दिसी बट डेफिनेटली इंडियन फ्लैग हमेशा ऊपर रख चाहिए कहीं भी हो। फाइनली गाइस मैं इधर नाथुला में हूँ और पीछे बैठे हल्का फुल्का स्नो आया है जमल वाला रातिकर। लिटरली इधर हेलमेट खोल लो मतलब सबर मुझे पगला का बन गया, कितना हवा चला थे देख सुपर आकर हालत देख। और फाइव स्टार खाओ और भूल जाओ ने? बहुत काम देवा था कल के एनर्जी एकदम में डाउन हो जाता है। और साथ ही साथ पीछे बैठ कर व्यू देखा, इतना ठंडा हवा बह रहा है, सांस फूल जा रहा है पूरा, लेकिन मजा आ रहा है ना। मजा आ रहा है हाँ। और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं यहाँ से मिले, भैया कैसा लग रहा है? बहुत ही मस्त प्लेस है। और कहाँ से आया था आप लोग? मैं अगरतला से। अगरतला से फाइनली डिसाइड ही हो लग के मतलब हमें
नथुला अगर ऊपर तक नहीं जाती कल टाइम भी देखे पड़ी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा यहाँ मिला था। ठंडा तो ऑब्वियस से बात है कि ठंडा रहे घर तक, लेकिन अजीब टाइप का मौसम है। और हम ग्रुप में आई तो आधा राइडर मन के दिक्कत हुआ थे वहाँ, आधा मन चल गया ना, मैं सुबह तक हल्का फुल्का फ़ोटो ले हुआ थी और मज़ा आवा था। और दिन के भी दिखेगा थोड़े कुछ व्यू बैक साइड से, और जब पीछे तो इन देखा था नहीं चीज से कि नथुला पास ऊपर जाए के करेक्ट रहे, ऐसा सच को ना थे नहीं रहे, बट डेफिनेटली मज़ा अलग। और तो इनके भी उम्मीद करा था कि मज़ा अलग है। सो नथुला करे के बाद हमें डिसाइड कर ले कि हम इन जा द वन एंड ओनली द वर्ल्ड फेमस बाबा हरभजन सिंह मंदिर में, और वहाँ जाके तो इनके भी दर्शन करवा और हमें भी जाके देखा कि काले वर्ल्ड फेमस है बाबा मंदिर। तो चला हमारे संगे बाबा मंदिर। फाइनली बाबा मंदिर में द वर्ल्ड फेमस वन एंड ओनली और इसको चला बाबा जी का बंकर, और पीछे पड़े देखा चुप रहा है तो सी। और काफी ज्यादा अच्छा भाई, और मजा आवा था काफी। और बहुत नाम सुन रहा और बहुत हाइट में भी आया है, और पीछे से व्यू तो इनके पीछे खींच रहा है क्या चीज पीछे खींच रहा है उल्टा। तो ये भाई संग में आया तो और लिटरली अंदर में बंकर एक बार में एक ही जा सकते क्या है? एक बार में एक ही जा सकते क्या नहीं जानता है तो जानते देखता है क्या है पितर कुछ सुना है बाबा मंदिर का बाबा मंदिर का पितर कर और अंदर जा सकते हैं अंदर ही तो है देखने का चीज। तो ये है एक घर है ना बाबा का। हाँ बाबा जी का मंदिर के अंदर में पहले सेलिब्रेट करना चाहिए बाबा का रूम पहले सल्यूट। लिटरली यहाँ पे मतलब बात नहीं कर पाते यहाँ पे, और ऐसा कुछ है अंदर बाबा कुछ गलती होने से माफ कीजिए। वो भी घर है? हाँ वो भी है। फाइनली फीडबैक हो गया और लिख ली, और तब भी अगर बाबा मंदिर आवा तो जरूर से मैं डेट डेट लिख के बुला जाओ भैया। डेट कितना? 12th 12th भैया चार इक्कीस चलो।
फाइनली आप कभी भी लाइफ साथ रिमोट लगा कर 11-12 के फिर देख ले सकते हो। और लिटरली काफ़ी ज़्यादा धूप आया ही नहीं और नजारा बाइक होने पार्क कर Ну, это не надо, что ли? Это не надо, что ли? Это не надо, что ли?